आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि बलिनो जीटा में जो टच स्क्रीन आता है वो क्या पहले की तरह ही ज़्यादा फीचर्स नहीं होने वाले हैं क्या? इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए, चलिए उसको देखते हैं। तो बूट अप होने से ऐसा कुछ एक मेन्यू आता है जो कि ये अभी होम स्क्रीन पे है, तो अभी ये लोड हो रहा है। अभी अगर हम इग्निशन पे रखते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। तो ऐसे भी वो आते हैं, एरर्स आते हैं। देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड दिखा रहा है, फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, फुटवेयर लाइट्स इधर से आप दरवाजे के साथ खोलना है या लिंक विद लाइट्स। जैसे अभी मैं लिंक विद लाइट्स कर दिया, तो देखिए लाइट्स ऑन होते ही वो लाइट्स जल गए, ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएंगे। देखिए वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलिए अभी वीडियो देखते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं और भी सेटिंग्स कर सकता हूँ, जैसे कि डोर अनलॉक, सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होना चाहिए या सारे डोर अनलॉक होने चाहिए वो भी कर सकता हूँ। एसी मोड, अगर एसी मोड अगर हम ऐसे आइडलिंग में रखते हैं तो इसमें कौन से मोड में जाना चाहिए, स्टैंडर्ड इकोनॉमी कंफर्ट वो भी है। काफ़ी सारे फीचर डाल दिए गए, जैसे व्हीकल अलर्ट, देखिए डोर ओपन, अगर मैं डोर ओपन करता हूँ तो उधर वो आएगा, देखिए वार्निंग्स वगैरह आएगी, पार्किंग लाइट की वार्निंग आएगी, सीट बेल्ट की वार्निंग आएगी, ये सब ABS, एयरबैग फॉल्ट, चेक इंजन, हाई टेम्परेचर, ESP, EPS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, सारे की वार्निंग आएगी। अलर्ट का वॉइस प्रॉम्प्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा वो भी आप ऑफ कर सकते हो। चलिए अभी मैं बैक जाके दिखाता हूँ। ऐसा था, फिर हम लोग मेन्यू में आ गए। तो इस तरफ से अभी हम लोग इस पर काफ़ी सारे वॉइस कमांड भी दे सकते हैं जो कि पहले काम नहीं किया करते थे। तो चलिए अभी हम देखते हैं इसमें फीचर्स क्या क्या है। इधर से है FM, यहाँ हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी चेंज करता हूँ FM, AM और यही सब फीचर दिए हुए हैं। यहाँ मैं ऑटोमेटिक में स्कैन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो ये सब है इसका मीडिया ऑप्शंस, FM, AM, DRM, ब्लूटूथ, USB कनेक्ट, और AV में तो से डायरेक्ट ऑफ भी कर सकता हूँ। देखिए ऑफ भी हो गया। सो इसमें किसी ने पूछा था मुझे कि इसमें वीडियोस चलते हैं क्या, वीडियोस चलेंगी बट आप गाड़ी खड़े रखोगे तब। अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर दे तो वीडियोस तो पीछे में चलते रहेंगी, बस उसका ऑडियो आएगी, वीडियो आप नहीं देख सकते वाइल ड्राइविंग। सो ये एक सेफ्टी फीचर दिया गया मारुति की तरफ से। अब बैक करते हैं तो ऐसा कुछ है इसका लेआउट। अगर आप इधर चाहते हो तो डेट एंड टाइम आप खुद भी सेट कर सकते, GPS से भी सेट हो जाता है। अब सेटिंग्स भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं, और अभी मैं इसकी स्मूथनेस की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया पहले के कंपैरिजन में। तो अभी हम बात करें, जैसे यहाँ से काफ़ी सारे सेटिंग्स कर सकते हैं हम, वेलकम मैसेज भी कर सकते हैं, वेलकम मैसेज जैसे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ऐसा मैसेज भी आता है जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी मैं वेलकम करता हूँ, वेलकम वेलकम करता हूँ, वेलकम के साथ अगर मैं नेम डाल देता हूँ, जैसे अभी नेम डाल दिया, अभी देखिए वेलकम सॉस, देखिए ऐसा मैसेज भी आएगा जो कि काफी अच्छा दिया हुआ है। गुड इवनिंग सॉस ऐसा डाल सकते हैं। देखिए गुड इवनिंग जो कि काफी प्रीमियम गाड़ी वाला फीलिंग कर देता है। ऐसा वाला फीचर अपने BMW में आता है जो कि इसमें भी डाल दिया गया अभी। तो चलिए अभी दूसरा बात करते हैं, दूसरा कुछ ऐसा फीचर अमेजिंग वाला फीचर हो तो। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप रेडियो टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर है, बेस है, मिड ट्रेबल का सेटिंग है, फेडर का सेटिंग है, फ़ोन से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पेयर डिवाइसेस जो भी आप अगर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं, व्हीकल सेटिंग्स। तो ऐसे कुछ थे इसके सेटिंग्स और फीचर वगैरह जो कि काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी के हिसाब से। सो आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।